द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 के अंतिम चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया 1 जून को होने जा रही है। 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा, किसकी सरकार बनेगी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो एस्ट्रोलॉजर का वर्ग है उसने सब कुछ फिक्स बता दिया है कि सरकार किसकी बनने जा रही है, किसका भाग्योदय होने वाला है। और उनका तो कहना है कि सब कुछ पहले से तय है, मतलब ईवीएम सेट है। जीत किसकी होगी अब एस्ट्रोलॉजर साहब बता रहे हैं। हैरान कर देने वाली रिपोर्ट तो आने लगी है भाई, ज्योतिषियों ने भी कमाल का ही आकलन किया है। एबीपी न्यूज ने इसे खबर के तौर पर प्रकाशित भी कर दिया है। ज्योतिषीय आधार पर सरकार किसकी बनने जा रही है और कैसे, उन्होंने कहा सब सेट है, सब तय है, यह कैसे होता है। जरा देखिए एबीपी न्यूज के, मैंने उस खबर के कुछ टेक्स्ट उठाए हैं, तो फेसबुक का स्क्रीनशॉट है, फिर रिपोर्ट का लिंक भी इसी में दे दिया गया है। पहले वो देखिए कि एबीपी न्यूज ने पोस्ट क्या किया। सब तय है, काउंटिंग से पहले एस्ट्रोलॉजर की बड़ी भविष्यवाणी, इस पार्टी की बन रही है सरकार। कमेंट बॉक्स में पढ़ें पूरी खबर। तो हमने उस कमेंट बॉक्स पर जाकर खबर को भी क्लिक कर लिया और फिर उस खबर में यह बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही प्रधानमंत्री आगे भी रहेंगे, यानी तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनेंगे और यह सब कुछ पहले से तय है। फिर उन्होंने कहा है कि राहुल और प्रियंका गांधी की कुंडलियां भी बहुत तेजी से बदल रही है, कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब इस रिपोर्ट में अगर हेडलाइन को देखें तो कहा जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शंस 2024 सब तय है। ये शब्द ज्योतिषियों के बहुत ही कॉमन हो सकते हैं कि चलिए भविष्य में के गर्भ में क्या है वो सब तय है, लेकिन कुंडली तेजी से बदलते हैं तो तय क्या है, तय कुछ नहीं। फिर देखिए यहाँ कहा जा रहा है लोकसभा इलेक्शंस 2024 सब तय है, बीजेपी की होगी जीत और मोदी तीसरी बार बनेंगे प्रधानमंत्री, एस्ट्रोलॉजर ने की बड़ी भविष्यवाणी। अब इसमें एस्ट्रोलॉजर का जो ग्रुप है इन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें तो की है, निश्चित तौर पर कई एस्ट्रोलॉजर के बयानों को भी यहाँ दिखाया गया है। तो ज्योतिषी के आधार पर मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से देश में ईवीएम पर सवाल खड़े हुए हैं, क्या वही मुद्दा फिर से नतीजों के बाद बहस का विषय बन सकता है। एस्ट्रोलॉजर महोदय जो कह दे रहे हैं अगर यही ब्रह्म लकीर है तो फिर मोदी जी तो बन रहे हैं। वैसे भी जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सर्वे किया है, उनके सर्वे में यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को भी कहीं ना कहीं बहुत फायदा है, बहुमत से हल्का फुल्का, एक कहते हैं डिस्टेंस है, थोड़ी दूरी है, लेकिन जो एनडीए है वो भी बहुमत के करीब ही है, एकदम स्पष्ट बहुमत वाली बात दिखाई नहीं पड़ती है। इसके बाद तो यह मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं यह मेजोरिटी गवर्नमेंट बनने तो नहीं जा रही, बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन जो उनके पास छोटे छोटे सहयोगी दल हैं उनका दबाव नरेंद्र मोदी पर तीसरे कार्यकाल में रह सकता है, ऐसा हर कोई कह रहा है। कई पॉलिटिशियंस कर रहे हैं जो बूथ पर मेहनत किए हैं, जिन्होंने अपने उम्मीदवारों के लिए फील्डिंग की है, उनके पास जो 17C डेटा होता है उसी हिसाब से पूरा आकलन हो रहा है। संजय कुमार CSDS वाले प्रोफेसर साहब, उन्होंने भी कहा कि बहुमत लाने में बीजेपी के पसीने छूटने वाले हैं, सरकार आसानी से नहीं बन सकती है। खैर ये सब तो स्टेट्स पर बेस्ड सब कुछ आंकड़े हैं, लेकिन सीधे सीधे अगर ज्योतिषियों की बात करें तो ये क्या क्या कह रहे हैं ये समझना जरूरी है। एबीपी न्यूज ने द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक ज्योतिषियों के स्टेटमेंट को प्रकाशित कर दिया है। अब माहौल ज्योतिषियों का भी है, चुनाव में जब बहस छिड़ते हैं तो इन लोगों को भी बिठा लिया जाता है। कहा गया है द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक केरल के पयानूर में ज्योतिषी चित्रभानु के पोडुवल ने कहा मतदान की तारीखें और नतीजों का दिन बीजेपी और एनडीए के लिए अनुकूल है, तिथियां और परिणाम का दिन मोदी को भारी बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का मौका देता है। उन्होंने आगे कहा मतदान की तिथियां और परिणाम के दिन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने दम पर 346 से 356 सीटों का आंकड़ा छू सकती है और मेरे हिसाब से कांग्रेस को केवल 29 से 36 सीटें मिलेंगी,
जो उसके इतिहास में अब तक का सबसे कम स्कोर है। अब जरा सोचिए, द वीक ने जो रिपोर्ट दे दिया है, जो बातें प्रकाशित की हैं, उसके मुताबिक तो हैरान कर देने वाले इनके ज्योतिषीय आंकड़े हैं, जबकि जो तथ्यों पर आधारित आंकड़े हैं वो तो इंडिया गठबंधन को 200 से ऊपर सीटें दे रही हैं, और इन्हें भी 240-50 के बीच ही मतलब बीजेपी वालों को रखा जा रहा है। तो फिर ये 29-36 सीट देकर क्या साबित कर रहे हैं ज्योतिषी महोदय? क्या आपने मान लिया है कि सब कुछ पहले से तय है, ईवीएम सेट है, जो आप 356-360-370 सीटें देने के लिए तैयार हो गए हैं? यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है, अगले ज्योतिषी की रिपोर्ट है। वहीं एक अन्य मुंबई के ज्योतिषी संदीप कोचर ने कहा कि तिथियां मायने नहीं रखती क्योंकि भाग्य पहले ही तय हो चुका है। कोचर को ज्योतिष में 24 सालों का अनुभव है और वह मुंबई में कई मशहूर हस्तियों के पसंदीदा ज्योतिषी हैं। उन्होंने कहा, मंगल और बृहस्पति मोदी के भाग्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी कुंडली में मंगल बृहस्पति की युति उन्हें अपार सफलता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रही है। इस समय वह जो भी करेंगे उसमें उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये ज्योतिषी महोदय बहुत बड़े मोदी भक्त लगते हैं। इन्होंने जो अब बताना शुरू किया है वो समझिए कि मोदी जी इस वक्त मिट्टी को भी छू दें तो सोना हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस भले इतनी मेहनत कर लें तो ये ज्योतिषी जितने भी ग्रुप के लोग हैं ये 30-35 सीट दे रहे हैं, सेफोलॉजिस्ट से अलग, चुनावी विश्लेषकों से अलग, उनका आंकड़ा अलग है। योगेंद्र यादव हों, प्रदीप गुप्ता हों या संजय कुमार CSDS हों, इन सबके आंकड़ों को दरकिनार करते हुए ज्योतिषी महोदय ने प्रभु श्री नरेंद्र सुरेंद्र मोदी जी को 350 से ऊपर सीटें देनी शुरू कर दी हैं। कोचर साहब आगे कहते हैं कि 4 जून 2024 या दूसरे शब्दों में 4/6/2024 की कुंडली यह संकेत देती है कि जो भी उस दिन देश भर शासन करेगा वह शासन करना जारी रखेगा। मेरे आकलन के अनुसार पूरी संभावना है कि मोदी 4 जून को बड़ी जीत हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री बने रहेंगे, मतलब ये कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद जो है ये चाचा नेहरू बनेंगे, आजीवन कुर्सी पर रहने वाले योजना में दिखाई पड़ रहे हैं ज्योतिषियों के हिसाब से। वैसे भी नरेंद्र मोदी के लिए एज फैक्टर को अमित शाह ने खुले तौर पर कहा है कि मोदी जी पर यह नियम लागू नहीं होता है, बीजेपी के बाकी नेताओं पर लागू होगा, 70+ वाले, मोदी जी पर नहीं। मोदी जी पर कैसे एज नियम, वो तो वैसे भी खुद कह चुके हैं कि वो अवतार लिए हुए हैं, अविनाशी हूं जी। खैर आगे देखिए, अब इन ज्योतिषियों का मानना है कि राहुल और प्रियंका की भी कुंडली तेजी से बदली है तो थोड़ा बहुत फायदा उन्हें भी हो सकता है, लेकिन सीट तो भैया आप 29-36 दे रहे हो। यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि उन्होंने 2009 की शुरुआत में भविष्यवाणी की थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक और कार्यकाल के लिए देश पर शासन करेंगे। उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के दूसरे कार्यकाल के लिए भी सही भविष्यवाणी की थी। कोचर ने कहा, दिलचस्प बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की कुंडली हाल ही में बदल गई है, अगले कुछ महीनों में वे कुछ प्रगति करेंगे। कुछ प्रगति कर लेंगे, देख लीजिए ज्योतिषी जी आपके रहमो करम पर अगर कुछ इंडिया गठबंधन को भी फायदा हो जाए। वैसे तो नरेंद्र मोदी को आपने आजीवन प्रधानमंत्री बना दिया है तो फिर कांग्रेस को मेहनत करने की जरूरत क्या है? पहले से सब तय है, ईवीएम सेट है, कमाल है, बेमिसाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइफ टीवी, सच सबसे आगे।